गेंद तक पहुंच पाते उतना ही तक में वहां पर डेविड बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और डेविड ने गेंद को क्लियर किया और दो टीम्स का प्ले स्टाइल लगभग अभी तक उतना बेहतर नहीं बन पाया है। ज्यादातर लंबा पासेस ये खेले हैं दोनों टीम्स और ग्राउंड लेवल का जो पासेस है बहुत ही कम देखने को मिला है इस मैच में। इसी बीच वहां पर जर्सी नंबर 16 वहां पर बुद्धिनाथ गेंद को क्लियर किया सहयोगी के लिए, लेकिन थोड़ा सा हैवी टच के चलते वहां उनके सहयोगी खिलाड़ी किशोर टुडू गेंद को कनेक्ट नहीं करता है। इस मैच के बाद आज दिन का जो सेकेंड मैच होगा, सेकेंड मैच के लिए दोनों टीम से जो टीम के मैनेजर हैं आप कमेटी मंच में जितना जल्द हो सके आप रिपोर्टिंग करें। कंगला पहाड़ी वर्सेस काइट एफसी, कंगला पहाड़ी वर्सेस काइट एफसी दोनों टीम्स के मैनेजर आप जितना जल्द हो सके कमेटी मंच में आप रिपोर्टिंग करें। इसी बीच वहां पर निकोलस शॉट लिया गया है, वहां मौका बन रहा था फर्स्ट गोल के लिए, लेकिन आखिरी समय पर गोलकीपर ने वहां पर गेंद को जैसे तैसे करके उनको धकेलने का कोशिश किया था। इसी बीच वहां पर बुद्धिनाथ गेंद को क्लियर करना चाहिए लंबे पास के माध्यम से, लेकिन यहां तक यहां पर थोड़े इनको जीतेंगे। इसी बीच और एक बार निकोलस चिरुडी टीम आर्नेस्ट के दिशा में, आर्नेस्ट एक गोल टेकिंग प्लेयर्स है, कभी भी इनके द्वारा गोल आ सकता है, इसीलिए बंगाल की टीम को वेस्ट बंगाल टीम को इनसे थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अर्नेस्ट एक घातक स्ट्राइकरों में से जाने जाते हैं, लेकिन इसी क्रम में गेंद प्ले से बाहर चली गई। अब खेल का रिदम में देख रहा हूं कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है समय के साथ, जैसे जैसे मैच का जो वक्त है समय जो है वो निकलते जा रही है। मैं देख रहा हूं कि अब धीरे धीरे मैच का जो रिदम है लय जो है वो चेंज होता हुआ और बहुत ही जल्द हमको लगता है कि इस मैच में गोल आने की संभावना रही है, किसी भी टीम से यहां पर गोल आ सकता है। बट वहां पर ये देखिए मौका बनेगा वहां पर अर्नेस्ट मरांडी के लिए, अर्नेस्ट वहां ऑप्शन ढूंढते हुए, लेकिन ये पासेस निकोलस के लिए उतना बेहतर नहीं बन पाया। और फर्स्ट टाइम जिस प्रकार से अर्नेस्ट को मौका दिया गया था, अगर फर्स्ट टाइम अर्नेस्ट वहां से गेंद को फिनिश करते या गेंद को लेकर के और थोड़ा सा क्लोज में जा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इन मौके पर जो टाइमिंग जो था वहां पर उस हिसाब से उनका जो रिसीविंग था वो नहीं बन पाया, जिसके वजह से आर्नेस्ट का जो मौका वहां जो एक बन रहा था मौका बन रहा था वो नहीं बना पाए। ऐसे समय पर डिफेंस लाइन के अच्छे अनुभव वाले खिलाड़ी रुबीलाल शॉट लिया, डिफिकल्ट शॉट बट गेंद वहां पर साइड नेटिंग होता था, ये तगड़ा शॉट था पहला अटेम्प्ट, लेकिन वहां गोल वाला शॉट है कि ना यदि फ्रेम ने चला बैठे शो गोल को इधर ज्यादा गति है कि ना बोल रहे और साइड नेटिंग ना पहला शॉट उन्होंने कोई खेलना वेस्ट बंगाल टीम से कोई। और आज का भी जो वेदर कंडीशन है मौसम जो है पिछले दिन की तरह ही धूप छाव का ये सुहाना मौसम आज क्रिएट होता है। बटी मोस्ट ही यहाँ दिन हो एक बना थोड़ा गान कभी सितुम तो कभी नुने रिवील सांस हुए ते हिसी मचा होई बटी मोस्ट ही यहाँ वेदर कंडीशन हो मेना ज्यादा परेशानी लेकाना दो मौसम तेज हो बनुवान है। और उन्होंने कोई भी टेप फ्री किक लगी मौका को जाम का उन्हें सात नंबर बंटी शॉट के लिए बंटी जी मेनकाय और पास गेंद काफी समय तक गेंद रखने के बाद क्या वहां से माइकल पास खेलेंगे उनके ऑप्शन को वहां पर समाप्त किया गया। और इसी समय पर डेविड वहां पर गेंद को क्लियर करते हुए थोड़ा सा आगे निकल गया अर्नेस्ट, नहीं था उनको मिल सकता था गेंद। बंटी हल्का सा रुपी पास करते हुए ये ऑफसाइड हो जाएगा, प्लेयर्स थोड़ा सा आगे निकल चुके थे। पिंटू सरदार जर्सी नंबर 8 नाश्ता है जंगल में मामा
लेकिन निकोलस बोल बोल मौज मौका बना प्लेयर्स प्रयास चलता है रुबीलाल डिफेंस लाइन को स्ट्राइकर लाइन रहे एक नाम नई खिलाड़ी नवा खूबी बनाते हैं और नाइन साइड मैच रहे अट्टी हद तक जल के रुबीलाल जे डिफेंस लाइन को हेक के गोल टुका से 11 साइड रहो इनते 9 साइड ना मैच ना होगा ना जे अगर हम बुधिराम से की बोल बना सहयोगी प्लेयर सब पोजीशन है जलदा बुधिराम समांतर दिशा रे उन्हें बंटी गति दिया लेकिन बंटी हो थोड़ा गन ज्यादा उन्हें डीप रे गति किया उन्हें इतने उन्हें कोई संभावना उन्हें बांग है ना गोल ना अब बंटी के लिए पुनः गेंद बंटी दा अब वहां पर उजीत ने पुनः 14 को ढूंढ निकाला वहां अपने सहयोगी संतोष के लिए भगना खटकना खाली खटकना इसी बीच सेठ ने वहां पर हल्का सा टिक पास किया उजीत के लिए ये देखिए अब गेंद पोजीशन कुछ बेहतर करते हुए यहां पर चिरुडी लेफ्ट विंगर के पोजीशन में खेला लेकिन वहां पर प्लेयर्स का थोड़ा सा अभाव था अब लाइन के करीब गेंद को खेलने का प्रयास और इसी क्रम में गेंद वहां प्ले से बाहर चली गई नेक्स्ट मैच के लिए कंगला पहाड़ी की टीम और काइट एफसी दोनों टीम्स के मैनेजर अपने प्लेयर्सों को आप रेडी करके रखेंगे अगला मैच के लिए अभी से ऐसा ऐसा तैयारी का जो प्रक्रिया है आप ऐसा ऐसा अभी से शुरू कर दें और मैं चाहूंगा जितना जल्द हो सके अगर आप रिपोर्टिंग नहीं किए हैं तो आप कमेटी मंच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहां से ये येलो कार्ड मिलता हुआ प्लेयर्स को क्योंकि वहां पर उनको जानबूझ करके उनको बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था उनको रोकने का प्रयास किया गया और इसीलिए यहां से एक फ्री किक लेने का अवसर प्राप्त करेंगे वेस्ट बंगाल की टीम और कई बार विसिल लेट से आने का वजह भी होता है कि रेफरी चाहते हैं कि अनावश्यक तरीके से मैच को ना रोके इसलिए कई बार वो एडवांटेज प्ले करने के फिराक में रहते हैं कि एडवांटेज दे करके मैच को कंटिन्यू करे इसके वजह से भी कई बार विसिल लेट से भी आती है और अब यहाँ से फ्री किक लिया जा रहा है शॉट सीधे पोस्ट पे लगाया गया है और सीधे कीपर के ग्लव्स में गया छोड़ रहा दोन कत्ते मेरा दिए ना गोलकीपर पुतुल कुमार पुतुल ने वहां पर डेविड को खेला इसी बीच और एक बार जर्सी नंबर 14 बने हुए किशोर गिल को मौके पर नहीं ले पाए कोई कोई तेरवा मैच रहा बेटे अटैकिंग फुटबॉल क्रीडा का रूप करा आकार ए हता होगा बना टीम की बीच आगे ऊपर अड़ी जस्ती नुडे नितो किन अटेम्प्ट था भागना छाड़ भी ना छाड़ शॉट किन चाहे था लेकिन कब तक वह मैच रे पहली हाफ रे गोल हजू करा कहते पहली हाफ ना मैच वाली हद तक ना भाई भाई ते उड़ोगो करा समय ये बीच रे उन्हें कोई डेविड आर्मी धोम ने कोई माइकल लगी माइकल उन्हें कोई मौका थोड़ा कन भाई उन्हें जाम लेता इधर तक उन्हें कोई रुबीलाल डिफेंस लाइन को अड़ी ना पाई क्लियरेंस अब बुधिराम लेकिन उनके सहयोगी खड़े वहां पर मौजूद ना होने के वजह से उनका प्रयास वहां पर नाकाम रहा इसी बीच वहां पर लॉन्ग रेंज एफर्ट जर्सी नंबर 4 के द्वारा वहां पर सीट बॉल प्ले से बाहर गई है और ये थ्रोइंग लेने का अवसर इस बार वहां अर्नेस्ट के लिए थ्रोइंग किया गया अब्बू के द्वारा चलिए पिंटू सरदार विंगर के पोजीशन से पिंटू
ये देखिए बहुत ही अच्छा पास निकलते हुए बुद्धिराम के लिए, लेकिन बुद्धिराम ने मौके पर गेंद को नहीं ले पाए। और एक बार बुद्धिराम ने देखिए गेंद को रिकवरी कर लिया है। प्लेयर है वहां पर, गोल आ सकता है। 14 नंबर किशोर के पास गेंद, लेकिन किशोर को वहां पर रोक किया गया, उनके हर संभव प्रयास को निरस्त किया गया और गोल से वहां पर बचा लिया गया। इस बार भले वहां पर कॉर्नर मिल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जहां जिस प्रकार से उनके पास एक मुख बन रहा था और क्या फर्स्ट हाफ के बचे हुए समय पर गोल आएगा या हमें नेक्स्ट हाफ तक का इंतजार करना होगा। माइकल माइकल उन्हें लॉन्ग पास गति की आर्मिस्ट जिले के लिए तो आया प्लेंगे चेंज का नहीं तो राइट विंगर ना पोजीशन पर लेफ्ट साइड चला होगा ना विंगर पोजीशन पे। ये भी चार भी दोम लड़े कोई जर्सी नंबर 9 मंदो जी बड़ी मोच होना बोले क्रॉस लहाव का गया बनखा उन्हें कोई अब्बू ताहिर उन्हें कोई बोले क्लियर के था। वहाँ यहाँ पर पिंटू को देखिए, यहाँ पर 2-3 प्लेयर्स को ड्रिबल करते हुए आगे निकल रहे थे पिंटू, लेकिन और एक बार पिंटू सरदार ने गेंद को होल्ड ले लिया है अपने कब्जे में। हालांकि इसी समय पर किशोर जर्सी नंबर 14 ये देखिए किशोर के पास गेंद, किशोर का क्रॉस निकल जाएगा लेकिन थोड़ा सा गेंद यहाँ से साइड नेटिंग होता हुआ थोड़ा गान बगलते बॉल पर होना बड़ी तेज विकेट गति चला के ना, लेकिन गोल लेना कभी बिना थोड़ा गान सही फिनिशिंग नहीं देवी बांगियल करा और बंखाई वहां मैच अभी तगड़ा चला करना बना तला रहेगी। अब माइकल नोडे कोई उजीत से की बोल में ना उजीत है क्रॉस है बन क्या नोडे कोई रॉन्ग क्रॉस और नसीना नोटे जितना में आगे नोडे रूमीलाल नसीना नोवा नखा बोले हम तेरे ये गलत पास कंगला पहाड़ी टीम और गाइड रिपोर्टिंग का कई कमेटी मंच रहा बन रिपोर्टिंग बन सेकेंड गाती लगी एंटे तो किना गाती तुरंत बाद गया बन तला रहे अगला मैच हो ही हुआ। कंगला पहाड़ी टीम और गाइड एफसी टीम अलबन बिलमा नीत को गया बन प्लेयर्स को बन तैयार बन हो क्वार नेक्स्ट मैच लगी लंगा के कोपे मा कभी साइड नेटिंग हो रहा है तो कभी पोस्ट के बगल से नियर पोस्ट गेंद निकल रही है और टारगेट पर मंदो अच्छा खेलते हैं ये खिलाड़ी और स्ट्राइकर लाइन के मैं देख रहा हूँ ये घातक प्लेयर सीध हो सकते हैं कभी भी मंदो मुर्मू 9 नंबर जब जब ये लेकर ऑब्जर्व कर रहे यहाँ तो सीधे पोस्ट है उन्हें निशाने लगा होता और ये भी है माइकल माइकल सगिंग को की शॉट डिफिकल्ट शॉट रहेगा ना यदि नवा बॉल की क्लोज रेंज को शॉट लिखा है माइकल तो उम्मीद है कि उन्होंने कोई गोल को है दड़िया किया बड़ी सगिंग को की पहला शॉट है माइकल से कोई खेलना तेही नवा मैच बुन यल्ला जहां तो पटाव से कोई अटेम्प्ट हुई करना लेकिन होलाबा दिन रे मीठे टीम नौका को दहे करना जे एकदम गोल बॉक्स का बना 6 यार्ड बॉक्स भी ओने धवी को छका बड़ा दे ओने धवी गोल को ट्रिपल बड़ा ओंकन टीम होला को है लेना जहां तो सरजो मगन सिजवा टीम को सेटर लेना आर को गतिल ना एफसी पाकुड़ युतुम थे इना मौज को गतिल ना बनता है टीम को हराव चलाओ ना और ओकरवा मैच रा रेगुलेशन टाइम करना हा बे बे से मुचो तो चरण से हजु करना वा पहिल हाफ रेना आज सुनाय बाजा सुनाय आज सान सान सर ए ए आई बॉल प्ले कोई बाहर है और हां पहिल हाफ रे 1 मिनट इंजरी टाइम हेड ऑफ करना बोला मैं हूं मेंडो 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 बोला मैं मेंडो अच्छा कंगला पहाड़ी और काइट एफसी इनाम खोए बन अवगत छे उकरा बन खाए नी धबी आबन बाबे रिपोर्टिंग का लुकिना पहिला हाफ ना का गति के ना होए मुझे दो लगे बन खाए बड़ा टीम आबन नी धबी बाबन रिपोर्टिंग का अबन कमेटी मंच रे उसरा रिपोर्टिंग बन और नीत खोए की अबन प्लेयर्स को रे माइकल बड़ी मौज मौका जामदा शॉट और बढ़िया चीज
जो डिफेंडर को कटाव पड़ो ले सासों के पहल हाथ बोझे लगाव लेदा मंदो मुर्मू ये पीछे उन्हें कोई 14 नंबर किशोर सहयोगी उन्हें गति या बंटी बंटी बांग गते उन्हें कोई बुद्धिराम 15 नंबर बुद्धिराम नसीना पे पास और किशोर वह शॉट और टारगेट चलाओ ना नहीं बाद ना गति लगी बना टीम अबन बन रिपोर्टिंग चुका हुआ तो नहीं थे अबन ठेले नेहरों का ना अबन रीत कोई क्या अबन तैयार बनता है ना अगला मैच लगी इंतेन नुकीना गति मुझे तो तुरंत बाद की अबन थलारे अगला मैच हो ही हुआ आधे उन्हें थे असल इनवा मैच मुझे तो लगभग 5 मिनट लहारे अबन बना टीम रेडी करते ऑफिशियल मैच समागल तैयार बनता है ना जैसे कि वह मैच मुझे तो तुरंत की जब उन अबन थलारे अगला गति है तो हो दरिया माइकल ऑफसाइड से तीन तीन ये लगा अब उन यूट्यूबर वह को रहो नोडे इंक्रीज हुई करना अधिकार तीन नोडे को है करना तीन नोडे ये लेकरना एन स्पोर्ट्स को नरेश जी नरेश सेमरम रही हो नोडे मैच कवरेज लगी है करना आरपीटी चैनल यूट्यूब ना कोई चीज का नहीं दबे खुला हो मिटे चैनल कोई मिटे यूट्यूबर है तहे करना जहाँ तो नहीं जिक्र वा भी फल है ना तो लोगों की सलाह भी चाल का बढ़ती थे ऐंते लोगों हो आपको दबना समय थोड़े लगातार पिछले दिन फिर को एम का आती ही एमएम बाबू ऑफिशियल एसपी फुटबॉल ब्लॉगर और बाबू ललित ऑफिशियल आरबीटी चैनल यूट्यूब दोनों हाँ बन्चे का अदर वहाँ कोई चैनल रे आप पे नियम नियल नरिया होला दिन ना तेरा तो मैच अपडेट करना जहाँ तो आप पे हेलेन खान आप पे नियल नरिया वहाँ को चैनल रे लड़ी ना होला 5 गुटे टीम अपडेट आप पे वह चैनल रे पे नियम नरिया आरते ही और उनका की इन स्पोर्ट्स रहो आप ये नोटे ना अपडेट के नियम दरिया ना कोई चैनल जहाँ तो बना अधिक कम समय रहे नुकुआ उनका चैनल ना बूस्ट कर देखुआ इंक्रीज करना अधिक कम समय रहे आ नुकुआ अब उन जो तो आप उनको आतु दिहत कर की बता मैं ग्रामीण सुबह क्षेत्र को या बुरन आदिवासी कलाकु कनाकु और डिमोज यूट्यूब रे नुकु को कमी तब ना है मासर हाँ कुछ चाल चुवानों ने कोई प्लेयर से बदला हुई लगी सर और यहाँ से अबू को बुकिंग किया गया है अबू ये लेने के क्रम में शायद वहाँ पर थोड़ा सा हैंड चला है अब माइकल उन्हें थोड़ा कर उन्हें कवरिंग की चीज़ ना माइकल नार पक्का डिमोच पोजीशन उन्हें बनाव था यार नो देखो ये माइकल हंसता हो डी घाट तक खिलाड़ी करा माइकल लेकिन उनका ना मोब ने तभी माय बनाव दरी का उनका ना मोका उरी जमार बंकाई कभी भी नहीं से कोई वो गोल है नडिया माइकल हंसता नोटे हो डी मोच उन्हों बना अधिक कम समय रहे बड़े मौज मौज टूर्नामेंट गति ना हो का एग्जाम का माइकल और उन्हें कोई जर्सी नंबर 11 माइकल लड़े मौज पास उन्हें कोई 12 नंबर उजीत लगी उजीत लेकिन नवात्रागन प्रभावशाली शॉट उलट बाय लगाव दही ना आसानी से उन्हें कोई बाबू हंसदा बड़ी नपाय उन्हें साफ कहते हैं बोल बाबू का भी बहुत ही अच्छा दिलप सिंह है अभी तक दोनों टीम्स के गोलकीपर का ग्लव्स अभी तक क्लीन है और इसी बीच वहां पर और एक बार पिंटू सरदार पिंटू बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं बहुत ही कम एज के युवा प्लेयर्स हैं और अच्छा खेलते हैं पिंटू सरदार इन्होंने भी दर्शकों को अपने खेल के माध्यम से काफी ज्यादा प्रभावित किया है इस बीच वहां पर किशोर
एक ओवर तो ड्रिबल कर लिया लेकिन अगले खिलाड़ी को वो ड्रिबल नहीं कर पाए और निकोलस ने गेंद को प्ले से बाहर किया। आर्मी दो माइकल लगे माइकल ना ऑप्शन ऐसे नहीं था बॉल उड़े हटिंग लगे ऑप्शन आर्टिस्ट थोड़ा कर उड़े लहर होकर नहीं लहर की और उड़े पे ना बीचे बॉल का कुछ आम ऑप्शन ना उनका बॉल क्लियर हुआ ना तो इनडायरेक्ट फ्री किक ता है ना माइकल हंसदार तैयार मने डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा गया माइकल ओके ग्राउंड रे फ्री किक बोले शूट गोल बड़ा होगा मेरे ख्याल में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा बचा गया वहां शॉट डायरेक्ट पोस्ट से तहना से एरन सपोर्टिंग प्लेयर्स लगे था उन्हें हेडिंग अच्छी गोल की क्रम पे माइकल और उन्हें पास से उड़ का लेकिन द्वार का खुदीराम जोर लगा ले गया मैंने कहा आईक्यू ना बोल थोड़ा कने ज्यादा टच लगा के था बॉल उन्हें प्ले पे बाहर चला होना ये बीच रे गेले करा ना बीते प्लेयर से बदलाव का तैयारी चला करा वेस्ट बंगाल एफसी से कोई अगला बदलाव ना हुआ चेंजिंग सर वेस्ट बंगाल एफसी की ओर से वन चेंज जर्सी नंबर 15 आउट और उसके जगह पर रिप्लेस होंगे जर्सी नंबर 5 ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था वहां गोलकीपर बाबू के लिए हाँ टेस्ट बोल रहे थे कि गेंद गोल लाइन से बाहर गई है कॉर्नर दीजिए लेकिन संदीप जी बोल रहे हैं कि नहीं गेंद को प्ले में ही रोका गया है और इसी समय पर गेंद और एक बार 14 के लिए जो कि चिरूडी टीम से वहां पर संतोष खेल रहे थे 14 में और इसी समय पर मौका बन सकता है इस बीच क्रॉस निकल गया है ये देखिए कीपर पुतुल कुमार ये भी अच्छा गोलकीपिंग करते हैं पुतुल जी और दोनों गोलकीपर ने अपने टीम के लिए अच्छा यहाँ पर अपना जो रोल है उसको प्ले किया है अब तक दोनों टीम्स के गोलकीपर को अगर आप देखा जाए तो अच्छा रोल प्ले करते हुए अपना जो किरदार है उसको निभाया है भली भांति और खेल दोनों के बीच में हर दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 50-50 का ही मैच हम कहेंगे इसी बीच वहां पर बंटी 7 नंबर बंटी क्या वहां पर गेंद को क्रॉस कर पाएंगे मौका है लेकिन वहां पर 5 नंबर ग्राउंड पर अभी अभी आए हुए सोयलेन सोरेन ये हो जाएगा फुट प्रेस और वहां पर और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन क्रॉस निकल जाएगा लेकिन यहां से 3 नंबर ने क्लियर किया गेंद को प्ले से बाहर सीताराम गुरु उन्हें अरने से निमोच नहा उचित होगा कि दो प्लेयर को क्या जवाब देना दो नंबर को क्या जवाब देना मंदु जी मंदु मुर्मू लेकिन कटका हो चुकी ना उनके चुकी ना कवरिंग चुकी ना ये पिछले अगला प्लेयर से बदलाव लगे हो तैयारी चला करना नवा बदलाव तो ना भाई हुआ चिरूडी टीम से पढ़ानी हो अगला बदलाव बुनियाला ऑफिशियल फोटो ऑफिशियल मंच में आने बीते बदलाव ना उनका प्रक्रिया करना उन्हें जिलों करना बॉल प्ले के बाहर चेंजिंग भी हुआ सर
चिरुडी जर्सी नंबर 14 आउट अरुणी जेगर मिटे नवा प्लेयर्स ग्राउंड में बोलो लगे जर्सी नंबर 16 संतोष के जगह पर अब ग्राउंड पर आएंगे राजीव सुरेन एंडे की पास का 5 नंबर सोलेन थोड़ा थोड़ा गन रॉन्ग प्लेइंग और मिट फ्री किक लगी अवसर चिरुडी लगी बड़ी बेहतरीन मैच नुकिन दलारे चला करना नहीं तभी बड़ा टीम स्कोर लेवल 0-0 रहे क्लोज से निकला 16 नंबर लगी जहां तो राजीव सोरेन नहीं तो ग्राउंड है जहां तो हेज कर मिटे फ्रेंच खिलाड़ी अदर प्लेयर से अपेक्षा नहीं थे स्टी बना नहीं थे ऊर्जा लेवल भरपूर बना और क्रॉस वहां पर अच्छा निकला जरूर था इसी बीच और एक बार सोयलेन वेस्ट बंगाल एफसी नितिन ने लिखा ना 9 नंबर नो टी जस्ती हावी के ना बोल रहे बंदो गुरु निकोलस बड़े 15 बड़े गति दिया संदीप लगी आर्नेस की तो बड़े नहा बॉल अड़े बजे क्रॉस लहाव कर बैठ का एन वक्त है उन्हें प्लेयर्स बहुत है करना उन्हें ते आराम थे उन्हें कोई नहा बंटी बड़ा बॉल उन्हें कोई क्लियर आ वो दिन आप अपने सहयोगी वहां पर किशोर को ढूंढते हुए और ये हो जाएगा